नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हिंसा का दौर जारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी प्रदर्शनकारियों पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी। बीते कुछ घंटे में ट्रंप ने हिंसा को लेकर किए कई ट्वीट। वहीं अमेरिका में हो रही हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ट्वीट, कहा कई जवान और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं लोगों की निगरानी, देश को बर्बाद करना चाहते हैं लुटेरे और क्रिमिनल। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी हुए कोरोना के शिकार, हालांकि इलाज के बाद रिकवर भी हुए प्रिंस चार्ल्स। अमेरिका के पूर्व नौसैनिक माइकल व्हाइट को ईरान ने किया रिहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट की रिहाई पर जताई खुशी। 683 दिन बाद ईरान की कैद से रिहा हुए माइकल व्हाइट। आज रात 11:15 से दिखेगा चंद्र ग्रहण, चांद के आगे छाएगी धूल जैसी छाया। इस ग्रहण में नहीं रहेगा किसी तरह का सूतक। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने कश्मीर में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाने की शुरू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू हाईवे के पास शुरू किया आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण। इमरजेंसी लैंडिंग में किया जाएगा इस्तेमाल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। विश्व में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 66 लाख के पार, तो 3,93,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वहीं अब तक 32,44,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,26,000 के पार, 6,348 लोगों ने गंवाई जान। वहीं 1,09,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण से देश की अर्थव्यवस्था के हाल बेहाल। राजस्व के नुकसान साथ बढ़ा खर्च, नई योजनाओं पर भी पड़ा असर। केंद्र सरकार ने लगाई नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा किया जारी। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का है जीएसटी मुआवजा। दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्टिंग और मरीजों के इलाज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ार। दिल्ली सरकार की ओर से बीते दिन आरएमएल अस्पताल को लेकर किए गए थे सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा दिल्ली में कोरोना के मसले पर राजनीति करने की नहीं है जरूरत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गलत आरोप लगाने की बजाय स्वास्थ्य व्यवस्था को करना चाहिए दुरुस्त। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। डीएमआरसी ने कहा हम लगातार वापसी की कर रहे हैं तैयारी। जिस तरह देश इस बीमारी से लड़ रहा है वैसे ही हम भी लड़ रहे हैं। अनलॉक एक पर केंद्र सरकार की दूसरी गाइडलाइन जारी। 8 जून से खुलेंगे रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, सभी को गाइडलाइन का करना होगा पालन। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में शुक्रवार को आए 68 नए कोरोना मरीज, तो अब तक कोरोना से 213 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी के हरदोई में कोरोना मरीजों का बढ़ रहा ग्राफ। 11 नए प्रवासी मिले कोरोना संक्रमित, 1 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। सीकर के दांतारामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की ट्रैवल हिस्ट्री ने उड़ाई प्रशासन की नींद। सलों, मेडिकल, किराना समेत कई दुकानदारों के संपर्क में आ चुका युवक, हरकत में आया चिकित्सा विभाग, तो वहीं प्रशासन ने बढ़ाया कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र का दायरा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 2.5 महीने बाद शुरू हुई रोडवेज सेवा। कोरोना के चलते रोडवेज प्रशासन बरत रहा सावधानी, एहतियात के तौर पर की जा रही स्क्रीनिंग। देश में हर दिन की लेनदेन बताएगा आरबीआई। देश भर में विभिन्न भुगतान प्रणालियों से होने वाले लेनदेन के दैनिक आधार पर जानकारी देने की शुरुआत। केंद्रीय बैंक एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई से होने वाले दैनिक लेनदेन के साथ एटीएम से होने वाले पैसों की निकासी की भी देंगे जानकारी। सप्ताह के आखिरी दिन कारोबारी भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ हुई शुरुआत। सेंसेक्स एक बार फिर 34,000 अंक को किया पार। ग्लोबल कारणों से गुरुवार को शेयर बाजार की बढ़त पर लगा था ब्रेक। तूफान निसर्ग के कारण आई तेज आंधी और बारिश से मुंबई में शुद्ध हवा, आबोहवा। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 17 पर पहुंचा। इस साल पहली बार इतनी साफ हुई हवा। मुंबई में आमतौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर दर्ज होता रहा है। झारखंड और कर्नाटक में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झारखंड में जमशेदपुर में तीव्रता 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 आंकी गई। दोनों जगहों पर सुबह 6:55 पर महसूस किए गए झटके। दोनों राज्यों में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द नए एपिसोड्स के साथ शो पर कर सकते हैं वापसी। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की दी अनुमति। अब चैनल और प्रोडक्शन हाउस मिलकर कर रहे हैं विचार। पर्यावरण सुरक्षा के लिए भूमि पेडनेकर की नई पहल। नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग करने वालों की सोच बदलने की कोशिश। भूमि के वन विश फॉर अर्थ कैंपेन से जुड़े अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा और करण जौहर जैसे कई सेलिब्रिटी। अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी बीते दो दिनों से राज्य के अन्य हिस्सों से कटी भारी बारिश के बाद मेचुका एलो सड़क के कई बड़े हिस्से क्षतिग्रस्त। शिओमी जिले और मेचुका शहर के बीच पुल कनेक्टिविटी को भी पहुंचा नुकसान। देशभर के निजी और चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज का मामला। याचिका पर केंद्र ने किया अपना जवाब दाखिल। सरकार ने कहा निजी या धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए नहीं कोई वैधानिक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका की खारिज। जस्टिस पी भानुमति, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसएस बोपन्ना की बेंच ने खारिज की याचिका। एएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने मई 2017 में चिदम्बरम के खिलाफ किया था केस दर्ज। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। पिता के इलाज को आधार बनाकर लगाई जमानत की अर्जी। कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट तो दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। फिलहाल 8 जून तक चली सुनवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अवैध पान मसाला और तंबाकू के साथ पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। 66.47 लाख रुपए नकद और 2.25 करोड़ के सामान की जब्त। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने चलाया तलाशी अभियान। टाटा स्काई बदलेगा चैनलों का पैकेज। ग्राहकों की 60 से 100 रुपए तक होगी मासिक बचत। पिछले दो महीनों में टाटा स्काई के तकरीबन 13 लाख ग्राहक हुए दूर। कंपनी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उठा रही कदम। जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी के लिए 9,094 करोड़ का निवेश करेगी अबूधाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। जियो प्लेटफॉर्म को अब तक मिला 18.97 और साथ ही 87,655 करोड़ रुपए का निवेश। 6 हफ्ते से भी कम समय में छठी कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश की घोषणा की। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश अबूधाबी की कंपनी करेगी। रियलमी वॉच की भारत में पहली सेल। 3,999 रुपए है कीमत। फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया वेबसाइट के जरिए खरीद पाएंगे ग्राहक। कंपनी की पहली बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच। ड्रोन के जरिए होगी फूड डिलीवरी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्विगी, जोमेटो और डुंजो को भारत में ड्रोन के माध्यम से सामान डिलीवर करने के लिए ड्रोन टेस्ट करने की अनुमति दी। जुलाई माह के पहले सप्ताह से शुरू होगा परीक्षण। टिकट बुकिंग प्रणाली में दलालों का हस्तक्षेप खत्म करने के लिए रेलवे का बड़ा कदम। टिकट के लिए नंबर पता मैच न होने पर बुक नहीं कर पाएंगे रेल टिकट। दलाल फर्जी एड्रेस, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डीएल से ईमेल आईडी जनरेट कर बड़े पैमाने पर करते हैं टिकटों की बुकिंग। JBL ऑडियो के साथ नोकिया स्मार्ट टीवी 43 इंच मॉडल भारत में लॉन्च। 31,999 रुपए है टीवी की कीमत। एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट से होगी बिक्री। 8 जून को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी पहली सेल। मारुति सुजुकी ने फेस मास्क, फेस वाइजर्स और कार पार्टीशन जैसे सेफ्टी एक्सेसरीज को किया लॉन्च। 10,000 रुपए से लेकर 650 रुपए तक है कीमत। मारुति के शोरूम या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कंपनी ने हेल्थ एंड हाइजीन कैटेगरी में किया एक्सेसरीज को शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की राजकौशल पोर्टल की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री आवास से वेबिनार के माध्यम से की गई लॉन्चिंग। मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई मंत्री रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। एक की हालत नाजुक। मृतकों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुआ भीषण हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आर्थिक तंगी के चलते एक परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। पति ने पत्नी और 3 बच्चों को खिलाया जहर, फिर फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में चाट खाने से बीमार हुए 50 से अधिक लोग। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने चाट विक्रेता से पूछताछ और खाद्य सामग्री जांच की मांग। यूपी के मुरादाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या। सपा विधायक हाजी हकरम कुरैशी का सुरक्षाकर्मी था मृतक मनीत प्रताप सिंह। मानसिक तनाव के चलते की आत्महत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी के कारण पेड़ से लटक कर दी जान। सिसोली गांव का है मामला।
सिरोही के वालोरिया गांव में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पिंडवाड़ा के वालोरिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व उप सरपंच की हत्या, आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में कड़ाधाम कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, गौमांस हथियारों के साथ गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों के साथियों की तलाश जारी। यूपी के इटावा में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने दिन दहाड़े 19 साल के युवक का किया अपहरण, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घायल होने पर इनामी बदमाश दीन मोहम्मद गिरफ्तार, एक बदमाश हुआ फरार। यूपी के सहारनपुर में अजगर से बचाई हिरण की जान, राहगीरों ने साहस का दिया परिचय, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। यूपी के एटा में चिकित्सा विभाग के दावों की खुली पोल, प्रसव पीड़ा होने पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, महिला ने सड़क पर ही दिया बेटी को जन्म। पाली में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, बर्डस्कम के एईएन कार्यालय में की कार्रवाई, स्टोर कीपर तकनीकी सहायक 2000 रुपए की घूस लेते किया गिरफ्तार, खेत में ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। झुंझुनू के बुहाना में विद्युत विभाग की कार्रवाई, घसेड़ा और भूरीवास में बिजली चोरी पकड़ी, 4 लाख का ठोका जुर्माना, तो वहीं टेम्पर मीटर भी किए जब्त। डीग उपखंड में झोला छाप डॉक्टर अवैध रूप से लोगों के जीवन से कर रहे हैं खिलवाड़, एलोपैथिक दवाइयों से कर रहे इलाज, जिला और स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। बिजोलिया से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ हादसा, बाइक फिसलने से चालक हुआ गंभीर घायल, 10 घंटे तक बेहोश हालात में हाईवे पर पड़ा रहा युवक, सूचना मिलने पर जिला अस्पताल किया रेफर। श्रीगंगानगर के बीज बायला में सड़क हादसा, बाइक और साइकिल की हुई भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार की मौत। प्रतापगढ़ धरियावद मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, हादसे में नहीं कोई जनहानि, काफी देर तक ट्रैफिक रहा जाम। झुंझुनू के चिड़ावा में लापता बेटे को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही मां, 9 महीने पहले लापता हुए 14 साल के प्रशांत योगी का पुलिस को भी नहीं मिला कोई सुराग, तो वहीं प्रशांत की मां ने मीडिया से लगाई मदद की गुहार। टोंक में एक बार फिर खाकी हुई शर्मसार, कांस्टेबल पति के अत्याचारों से परेशान पत्नी, न्याय के लिए खा रही दर दर की ठोकरें, एसपी आदर्श सिद्धू से लगाई न्याय की गुहार। भरतपुर के बयाना में नगर पालिका की लापरवाही, दिन में भी जली रहती है रोड लाइट, प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। और इसी के साथ एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।